मित्रता दिवस पर बड़वानी में महिला मंडल के सदस्यों ने फ्रेंडशिप डे उत्सव पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया। कोविड की भयावहता को देखते हुए संगीता लोह महिला मित्र मंडल के सदस्यों ने पौधे वितरित कर ग्लोबल वार्मिंग रोकने की अपील की। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते नारे लिखने की स्पर्धा भी आयोजित की गई। स्लोगन कॉन्सर्ट में कई महिला प्रतिभागी शामिल हुई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को लिखने वाली प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने पौधे लगाकर उनको पेड़ बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में महिला डेस्क प्रभारी रेखा यादव और सलाहकार अनीता चोयल प्रतिभागियों को पुरस्कार बांटे। पुष्पा ठाकुर, आज क्या आयोजन किया जा रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है, जैसे दोस्ती जैसे दिन पर आप ऐसा कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं? सर, ये पर्यावरण के समथिंग ऊपर हम लोगों ने रखा है कार्यक्रम, वृक्षों से दोस्ती करें और पर्यावरण बचाएं। जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कितना ज़रूरी है। कोविड-19 को देखते हुए एक इंसान तो छोड़ देता है दोस्ती, बट वृक्ष ऐसी चीज़ हैं जो आपको ज़िंदगी दे सकते हैं। तो बस इसी को महत्व देते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। आज फ्रेंडशिप डे पर हमने संगीता लोह मित्र मंडल की तरफ से एक तो पेड़ों से दोस्ती करो, इस ऐसा एक स्लोगन देकर एक कार्यक्रम अरेंज किया है, स्लोगन प्रतियोगिता। और नए मित्र मंडल में हमारे जो संगीता लोह मित्र, उसमें नए सदस्य शामिल करे हैं जिनको हमने पौधा देकर सम्मानित किया है और ग्रुप में। वैसे हम सब लोग फ्रेंडशिप मनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि वृक्षों से दोस्ती, आज जो अभी आजकल जो परिवेश देख रहे हैं उसमें पौधों से दोस्ती बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग सभी पौधों से दोस्ती करें। इसलिए हमने एक स्लोगन प्रतियोगिता रखी है कि पौधों से दोस्ती करो, पर्यावरण को शुद्ध करो। वॉइस ऑफ फ्रेंड्स के बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।